कांग्रेस के सीनियर लीडर, कांग्रेस की वचन पत्र समिति के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे राजेंद्र कुमार सिंह के रिपोर्ट कार्ड पर जनता ने पास की मोहर लगा दी है। राजेंद्र कुमार सिंह अमरपाटन से चुनाव जीत गए हैं। अमरपाटन से शिवराज सरकार में मंत्री रहे राम खिलावन पटेल चुनाव हार गए हैं। राजेंद्र सिंह ने राम खिलावन पटेल को शिकस्त दे दी है। इनके बीच में बड़ा रोचक मुकाबला था, आखिरी क्षण तक ही लग रहा था कि कौन जीतेगा कौन नहीं। हालांकि बड़े कद्दावर नेता है डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह कांग्रेस के, और सीनियर लीडर हैं, और जो कांग्रेस का थिंक टैंक है उनमें से एक नेता है जो कांग्रेस के बारे में भांति भांति से विचार करते हैं। और राजेंद्र कुमार सिंह जैसे नेता का विधानसभा में जीत कर आना कांग्रेस के लिए थोड़ा सा शुभ माना जा सकता है। हालांकि जो टैली है वो कह रही है कि 69,451 वोट राजेंद्र कुमार सिंह को पड़े हैं, वहीं राम खिलावन पटेल जो मंत्री रहे शिवराज सरकार में उनको 62,240 वोटों से संतोष करना पड़ा है। राम खिलावन पटेल का इलाके में काफी विरोध था और बीजेपी के कुछ सर्वे में वो जीतते हुए नजर नहीं आ रहे थे, उसके बावजूद उनको टिकट दिया गया है। और क्योंकि सारे मंत्रियों को टिकट दिया जा रहा था तो मुझे लगता है कि उस रॉ में इनको भी टिकट दिया गया और इस कारण अमरपाटन में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है, और वो भी उस समय जब बीजेपी की आंधी थी। बिल्कुल, राम खिलावन पटेल को टिकट में संशय था, इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही थी। हालांकि जदोजहद के बाद उन्होंने टिकट तो पा लिया पर वो चुनाव जीतने में नाकामयाब रहे। उन्होंने अपने क्षेत्र में कई सौगातें दी, लगातार प्रचार भी करते रहे, पर राजेंद्र कुमार सिंह एक कद्दावर नेता है, संजीदा नेता है, और उनके आगे राम खिलावन पटेल हार गए हैं। राजनीति में टिकट पाना ये किस्मत का एक खेल होता है कि आपको टिकट मिल गया, लेकिन उसके बाद जीत जाना ये बड़ा टेढ़ी खीर होती है। यहाँ आपको जनता की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है, और राम खिलावन पटेल इस बार जनता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं और उन तमाम मंत्रियों में शामिल हो गए हैं जिन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। कौन जीता कौन हारा ये सब चर्चा के दौर में जारी रखेंगे, आप देखते रहे दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।